इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आसानी से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि यह वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है। वंस अ मैन, वंस अ मैन, एक बार एक आदमी। वंस का मतलब होता है एक बार, अ मैन एक आदमी, एक आदमी। एंड अ लायन, एंड अ लायन, और एक शेर। एंड का मतलब होता है और, आ एक लायन शेर। वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे। फ्रेंड्स का मतलब होगा दोस्त। वर थे, वेरी गुड बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। द लायन लिव्ड, द लायन लिव्ड, वो शेर रहता था। लिव्ड का मतलब होगा रहता था, रहता था। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब जैसा हम जानते हैं जंगल, इन में। नियर द मैंस विलेज, नियर द मैंस विलेज, उस आदमी के गांव के पास। नियर का मतलब होता है पास, मैंस विलेज आदमी के गांव, विलेज का मतलब होता है गांव। ध्यान दीजिएगा ये एपोस्ट्रॉफी है, ये एस एपोस्ट्रॉफी, और एस का मतलब होता है का, की, के। यहां पर आदमी है, यहां गांव है, तो आदमी के गांव। वन डे, वन डे, एक दिन। दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। दे का मतलब है उन्होंने, डिसाइडेड फैसला किया, फैसला किया या फिर निश्चय किया। टू गो टू द सिटी, टू गो जाने का, टू द सिटी, शहर। सिटी का मतलब होता है शहर, गो का मतलब होता है जाना। उन्होंने एक दिन शहर जाने का फैसला किया। सो इस तरह, सो का मतलब है इस तरह, इस तरह। दे लिफ्ट, दे लिफ्ट, वो चल पड़े। लिफ्ट का मतलब यहां पर होगा चल पड़े या फिर निकल पड़े, चल पड़े। टू सी, टू सी, देखने के लिए। सी का मतलब होता है देखना। द सिटी, द सिटी, शहर को। ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे का मतलब है रास्ते में, रास्ते में। दे स्टार्टेड बोस्टिंग, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। स्टार्टेड है तो शुरू कर दिया। बोस्टिंग,
डींगे मारना, बोस्ट का मतलब होता है अपनी तारीफ करना या फिर डींगे मारना, डींगे मारना। उन्होंने डींगे मारना शुरू कर दिया। अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट देमसेल्व्स, खुद के बारे में। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, देमसेल्व खुद के। ईच सेड, प्रत्येक ने कहा, यानी एक एक ने कहा। सेड का मतलब है कहा। सेड से का सेकेंड फॉर्म है, से का मतलब होता है कहना और सेड है तो कहा। दैट कि ही वॉज मोर पावरफुल, ही वॉज मोर पावरफुल, कि वह ज्यादा ताकतवर है देन द अदर, देन द अदर, दूसरे से। देन का मतलब यहां पर है से, अदर दूसरे। प्रत्येक ने कहा कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। पावरफुल का मतलब होता है ताकतवर, ताकतवर। मोर का मतलब ज्यादा। ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। देयर डिस्कशन, देयर डिस्कशन, उनके वाक्यों का आदान प्रदान। डिस्कशन का मतलब होता है वाक्यों का आदान प्रदान करना या फिर किसी बात पर सार्थक बात करना। टर्न इनटू एन आर्ग्यूमेंट, टर्न्ड बदल गई, टर्न का मतलब होगा यहां पर बदल गई। इनटू एन आर्ग्यूमेंट, बहस में। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। धीरे धीरे उनकी बातचीत एक बहस में बदल गई। दे केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग, दे केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग, वो बहस करते रहे। केप्ट ऑन का मतलब होगा यहां पर करते रहे। आर्ग्यूइंग बहस। एंड और रीच्ड, पहुंच गए। रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड है तो पहुंच गए, पहुंच गए। द सिटी स्क्वायर, द सिटी स्क्वायर, शहर के चौराहे पर। सिटी का मतलब है शहर, स्क्वायर का मतलब यहां हम कह सकते हैं चौराहा। देयर वहां पर, दे सॉ उन्होंने देखा, दे का मतलब है उन्होंने, सॉ देखा। अ स्टैच्यू ऑफ अ मैन, अ स्टैच्यू एक मूर्ति, स्टैच्यू का मतलब यहां पर हम कहेंगे मूर्ति। ऑफ अ मैन, किसी आदमी की, मैन का मतलब आदमी। स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, वो आदमी खड़ा हुआ। विथ हिज फीट, विथ हिज फीट, अपने पांव से। फीट का मतलब है यहां पर पांव। हिज अपने, विथ से। ऑन अ लायंस चेस्ट, ऑन अ लायंस चेस्ट, शेर के सीने पर। चेस्ट का मतलब होता है सीना। ऑन अ लायंस चेस्ट है तो शेर के सीने पर। द मैन पॉइंटेड, द मैन पॉइंटेड,
उस आदमी ने इशारा किया। पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना, और पॉइंटेड है तो इशारा किया। टू द स्टैच्यू, टू द स्टैच्यू, उस मूर्ति की तरफ। एंड सेट, एंड सेट, और कहा। लुक, देखो, लुक का मतलब होता है देखना, किसी को दिखाने के लिए लुक यूज करते हैं। मैन इज मोर पावरफुल, मैन इज मोर पावरफुल, आदमी ज्यादा ताकतवर होता है। मोर का मतलब है ज्यादा, पावरफुल शक्तिशाली या फिर ताकतवर। बट द लायन सेड, बट लेकिन, द लायन सेड, उस शेर ने कहा। यस, हाँ, यस का मतलब होता है हाँ। यू कैन से, यू कैन से, तुम कह सकते हो। से का मतलब होता है कहना, कैन का मतलब सकना। यू कैन से है तो तुम कह सकते हो। सो, ऐसा, सो का मतलब है ऐसा, तुम ऐसा कह सकते हो। ओनली बिकॉज, ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि। ओनली का मतलब है सिर्फ, बिकॉज क्योंकि। दिस स्टैच्यू, दिस स्टैच्यू, ये मूर्ति, हैज बीन मेड, हैज बीन मेड, बनाई गई है। बाय अ मैन, बाय अ मैन, किसी आदमी द्वारा। इफ अ लायन, इफ अ लायन, अगर कोई शेर, इफ का मतलब है अगर, अ लायन कोई शेर, हैड मेट इट, हैड मेड इट, इसको बनाया होता। देन, तब या फिर यू कुड इजली सी, यू कुड इजली सी, तुम आसानी से देख सकते। इजली का मतलब है आसानी से, आसानी से। कुड सी, देख सकते थे। रिवर्स पोजीशंस, रिवर्स पोजीशंस, उल्टी स्थिति। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, रिवर्स का मतलब उल्टी। डिपिक्टिंग द लायंस पावर, डिपिक्टिंग दिखाते हुए, डिपिक्ट का मतलब यहां पर होगा दिखाते हुए, दिखाते हुए। द लायंस पावर, शेर की ताकत को, ध्यान दीजिएगा इसे पावर भी कहते हैं और पार भी, इसका सही प्रोनंसिएशन पार होता है। द मैन कुड नॉट से, द मैन वो आदमी, कुड नॉट से नहीं कह सका, अ सिंगल वर्ड, अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द। सिंगल का मतलब होगा यहां पर एक भी, वर्ड का मतलब है शब्द। आफ्टर हियरिंग, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद। आफ्टर का मतलब है बाद, हियरिंग सुनने के। द लायंस वर्ड्स, द लायंस वर्ड्स, शेर के शब्दों को, शेर के शब्दों को सुनने के बाद वो आदमी एक भी शब्द ना कह सका।
उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।